नमस्कार बच्चों, मैं निष्ठा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इससे आपको बताना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो यहाँ पर जो चार पॉइंट्स आपको दिए गए हैं आप उनको ABCDPQRS कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ABCD नाम इनको दिया। जब आप इनको ABCD नाम देंगे तो ये आपका A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। जब भी आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर भी मालूम करना होता है तो उस केस में आपको ऑल फोर साइड्स आपको निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके और डायगनल्स निकालना है। जब डायगनल्स आपके आ जाएंगे तो उससे आपको मालूम चलेगा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ABCD ये आपको दिए गए हैं पॉइंट्स, तो ए बी डिस्टेंस आप निकालेंगे। डीबी की बात करते हैं तो 7-4 हो जाएगा, 7-4 होल स्क्वायर प्लस 6-5 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए कितना आएगा, 7-4 करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा और 6-5 करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 होता है और 1 स्क्वायर 1 होता है, तो अंडर रूट 10 यूनिट्स आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा किसका, ए से बी का। अब आपको नेक्स्ट साइड यानी कि बी सी को निकालना होगा। जब आप बी सी को निकालेंगे तो उसे भी इसी तरीके से निकालना होगा, x2-x1 तो 4-7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3-6 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 4-7 करेंगे तो -3 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3-6 तो -3 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा अंडर रूट 18 यूनिट्स। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा बी से सी का। अब आपको इसी तरीके से सी से डी का डिस्टेंस निकालना है, तो सी डी निकालिए क्या आएगा आपका, सी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 1-4 होल स्क्वायर प्लस 2-3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1-4 आप करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 स्क्वायर, 2-3 करेंगे तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 होता है और ये हो जाएगा 1, तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा 10 यूनिट्स। इसी तरीके से आपको डी से ए का डिस्टेंस निकालना है, तो डी से ए का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट डी और ए, तो 4-1 हो जाएगा, 4-1 होल स्क्वायर प्लस 5-2 होल स्क्वायर। 4-1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर 9 होता है तो 9+9 अंडर रूट में आ जाएगा आपका 18 यूनिट्स। अब देखिए अगर आप साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक है आपका रूट 10, एक यहाँ पर भी रूट 10 यूनिट्स है, ये रूट 18 है और ये भी रूट 18 है। तो अगर आप एक क्वाड्रिलेटर की बात करें ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पर AB और उसके अपोजिट CD इक्वल है, तो इक्वल साइड अपोजिट इक्वल साइड्स किस में होती है आपकी, या तो वो आपकी रेक्टेंगल में हो सकती है या पैरेललोग्राम में। लेकिन अब इसको ये कैसे मालूम चलेगा कि रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो ए से सी डायगोनल निकालेंगे और बी से डी डायगोनल निकालेंगे। तो ए सी आप निकाल लीजिए कितना आएगा, ए सी आपका हो जाएगा अंडर रूट 4-4 होल स्क्वायर प्लस 3-5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4-4 होगा तो 0 हो जाएगा आपका प्लस -2 होल स्क्वायर, तो ये 0+4 हो जाएगा, 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 यूनिट से आपका आ जाएगा। अब आपको निकालना है बी से डी का डिस्टेंस, तो जब आप बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1-7 होल स्क्वायर प्लस 2-6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1-7 कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, तो -6 होल स्क्वायर प्लस 2-6 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 होल स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका
सिक्स स्क्वायर 36 होता है या 4 स्क्वायर 16, तो इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपका 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 31415, तो अंडर रूट 52 यूनिट्स ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 10, तो ए बी इक्वल है किसके अंडर रूट 10 सी डी की वैल्यू है, बट इज इक्वल टू सी डी। इसी तरीके से आपका बी सी किसके इक्वल है, इसके अपोजिट साइड अंडर रूट 18 है, इसके अपोजिट क्या है डी ए जिसकी अंडर रूट 18 है, तो इस केस में वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब आपको देखना है डायगनल, जो डायगनल की वैल्यू है वो ए सी इक्वल नहीं है बी डी के, और जब दोनों डायगनल की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है तो वो किस में नहीं होती इक्वल, वो आपका पैरेललोग्राम में होती है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैप्टर की पिछली सारी वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं।